हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का निर्माण 1945 में हुआ था, जो कि हम बोल सकते हैं 27 दिसंबर 1945 में हुआ था, जिसका मेन उद्देश्य ये था कि जितना भी अंडर डेवलप कंट्री हैं, हम जानते हैं कि जब ये निर्माण हुआ था तब वर्ल्ड वॉर पीरियड ख़त्म हुआ था। वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के चलते बहुत सारे देश को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, किसी किसी कंट्री का इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया था। उस क्राइसिस को फुलफिल करने के लिए, उस कंट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए आईएमएफ का निर्माण हुआ था। आईएमएफ एक ऑर्गन है, हम बोल सकते हैं यूएनओ का एक स्ट्रक्चर है, जिस आईएमएफ के थ्रू जितने भी अंडर डेवलप कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री को सहायता प्रदान किया जाए। अब हम आईएमएफ को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो आईएमएफ का स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ था, जिसमें 29 कंट्री ने रेटिफाइड किया था और 1946 के अंत तक 39 मेंबर हो गए थे। साथ ही साथ 1 मार्च 1947 को आईएमएफ ने अपना फाइनेंशियल ऑपरेशन शुरू किया था। पहला कंट्री जो आईएमएफ से लोन बोरो किया था वो था फ्रांस। अगर हम आईएमएफ का हेडक्वार्टर को देखें, जो कि वाशिंगटन डीसी में अवस्थित है, जो कि अमेरिका का कैपिटल सिटी है, जिसमें 189 कंट्री मेंबर हासिल किए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य है कि देश में जितना भी अस्थिरता देखा जाता है, जितने भी कंट्री अंडर डेवलप चाहे डेवलपिंग कंट्री, जहाँ जितना भी अस्थिरता उस देश में देखा जाते हैं, उनसे उनका उद्धार करना। अब हम देखेंगे कि आईएमएफ क्या क्या काम करता है। पहला काम, फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन बनाना, साथ ही साथ सिक्योर फाइनेंशियली स्टेबिलिटी करना, इकोनॉमिक स्ट्रेंथन करना, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना, देन प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ाना, साथ ही साथ सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, देन रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को हटाना, साथ ही साथ सब देशों को शांति बजाय रखना ही आईएमएफ का लक्ष्य है। और ये इस लक्ष्य के चलते हुए आईएमएफ अपना काम करता जा रहा है। जितने भी अंडर डेवलप कंट्री को जितना भी पैसा चाहिए होता है, उसको एक अमाउंट के आकार में देता आ रहा है। अब हम देखेंगे कि आईएमएफ को हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव में देखेंगे, तो आईएमएफ का निर्माण हुआ था 27 दिसंबर 1945। देयर आफ्टर हम बोल सकते हैं कि 1944 जो कि उसका नींव रखा था, जो कि ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में रखा गया था, वहाँ से ही आइडिया ड्रॉ आउट किया था कि हम ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना करेंगे जो जितने भी देश में अस्थिरता फैला हुआ है उस जिस तरह से वो मुकाबला कर सके। तो उसका आइडिया दिए थे हैरी डेक्स्टर वाइट एंड जॉन माइनर केनिस। तो ये दो प्रमुख व्यक्ति जो कि इसका आइडिया दिए थे। जब ये बना था, फॉर्मली एग्जिस्ट किया था, तब उसमें 29 मेंबर थे और जितने भी रिकॉन्स्ट्रक्शन काम वो वहाँ से ही शुरू कर दिए थे। आईएमएफ एक मेजर रोल प्ले करता है, हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस, जितना भी असुविधा अस्थिरता देखा जाता है उस अस्थिरता से ये लड़ता है। अगर हम आईएमएफ का भूमिका देखें और उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, तो उसके आर्टिकल्स में एक एग्रीमेंट ये में लिखा गया है कि आईएमएफ ये सब काम करता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड, हाई एम्प्लॉयमेंट, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मेकिंग ए रिसोर्स एबल टू मेंबर ऑफ कंट्री इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी। तो फाइनेंशियल डिफिकल्टी मीन्स फाइनेंशियल अस्थिरता की इकोनॉमिक क्राइसिस किस कंट्री में देखने को मिलता है, तो तब उस जगह में आईएमएफ एक की रोल प्ले करता है। इसके चलते हुए आईएमएफ को बढ़ावा दिया गया है, जहाँ पर बहुत सारे कंट्री आज मेंबर हो चुके हैं, जिसके चलते हुए जितने भी अंडर डेवलप कंट्री हैं उनका विकास हो पाया है। अगर हम आईएमएफ का मनी जनरेट के बारे में बात करें, तो किस दो मेजर सोर्स से वो अपना मनी ड्रॉ आउट करता है, तो वो है कोटास एंड लोन। कोटास क्या है? विच आर फुल फंड्स ऑफ मेंबर नेशन। यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप आईएमएफ का मेंबर होना चाहते हैं तो आपको कुछ परसेंट ऑफ मनी देना पड़ता है आईएमएफ को। तो साथ ही साथ वहाँ लोन से भी जनरेट करता है, जिस कंट्री को दिया होता है लोन तो उससे वो इंटरेस्ट निकालता है, उस इंटरेस्ट से भी उसका मनी जनरेट होता है। तो इस आकार से वो आईएमएफ अपना मनी ड्रॉ आउट करता है। वर्तमान आईएमएफ के द करेंट मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयर वुमेन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बुल्गेरियन इकोनॉमिस्ट क्रिस्टिना जॉर्जिवा, हु हैड हेल्ड द पोस्ट सिंस अक्टूबर 2019। तो वर्तमान आईएमएफ के चेयर वुमेन हैं क्रिस्टिना जॉर्जिवा, जो कि बुल्गेरिया से हैं। अब हम बात करेंगे चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ, जो कि हैं गीता गोपीनाथ, जो कि 1 अक्टूबर 2018 से इस पोस्ट में नियुक्त हैं, जो कि पीएचडी इकोनॉमिक्स में किए हैं। साथ ही साथ वो हमारे इंडिया में चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला के एडवाइज़र भी रह चुके हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में।
IMF का पहला फंक्शन है कि टू एक्ट एज ए वॉचडॉग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। इसका मतलब है कि IMF इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन पर नज़रें गड़ाए रखा है। वो देखता है कि एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ फाइनेंशियल रिलेशन कैसा है, एक दूसरे से वो कैसे निपटते हैं, उस चीज़ के बारे में वो तदारक करता है। साथ ही साथ IMF टू मॉनिटर द पॉलिसी एंड एक्टिविटीज ऑफ मेजर इकोनॉमिक पावर एंड ट्रेडिंग नेशन एज दे आर ऑलवेज डिटर्मिनेंट ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। तो यहाँ पर ज़्यादातर दो कंट्री जो कि हम बोल सकते हैं बायलेटरल ट्रेड की जो भी मल्टीलेटरल ट्रेड होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, इस सब चीज़ के बारे में भी वो देखता रहता है कि अच्छे से सब हो रहा है कि नहीं, सब काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ को भी IMF अपना गुरुत्व देता है। अगर हम एक प्रकार से देखें जितने भी डेवलप कंट्री हैं उनका बीच में कैसा एक ताल्लुकात है, हम जनरली बोल सकते हैं ट्रेड वॉर जो कि हम बोलते हैं USA और चाइना, वेदर USA और चाइना अच्छे से अपना ताल्लुकात बनाए रखे हैं कि नहीं, वो इकोनॉमिक में फोरम में उसका प्रेशर अब कैसे पड़ता है, ये सब चीज़ को भी वो ओवरऑल स्टडी भी किया जाता है। उसका तीसरा फंक्शन है कि टू मॉनिटरी बजटरी डिफिक्स एंड फिस्कल डिफिक्स ऑफ स्टेट एज दे लो टुगेदर इंडिकेट द हेल्थ वीकनेस ऑफ देयर इकोनॉमीज। फोर्थ पॉइंट है टू ग्रांट लोन टू नेशन। फिफ्थ पॉइंट है टू सेल फॉरेन एक्सचेंज टू नेशन। IMF एक कंट्री को डिटेल वे में देखता है कि उस कंट्री कितना प्रोग्रेस कर रहा है कितना नहीं, तो उसके हिसाब से वो उसको लोन ग्रांट करता है। साथ ही साथ वो फॉरेन एक्सचेंज में बहुत हेल्प करता है। हम जानते हैं कि हमारा मनी उधर नहीं चलता, उधर का मनी इधर नहीं चलता, तो उसमें वो इकोनॉमिक बैलेंस बनाए रखता है, वो मनी को एक प्रॉपर वैल्यू देता है जिसके चलते हुए एक प्रॉपर एक्सचेंज हो सकता है। IMF का और एक प्रमुख दायित्व है कि एक फंक्शन है कि टू चेक द ब्रेकडाउन ऑफ इकोनॉमिक्स, और एक है टू एंश्योर दैट नेशन मस्ट स्पेंड एटलीस्ट वन हाफ ऑफ देयर गेंस। तो जनरली यहाँ पर बहुत सारी चीज़ को देखा जाता है IMF के द्वारा, IMF उसको अच्छे से स्टडी करता है, उसके बाद ही एक कंट्री के ऊपर वो अपना मनी स्पेंड करता है। अब हम IMF के दूसरे प्रोस्पेक्टिव को देखेंगे। तो IMF को बोला जाता है कि ए रिच डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन। रिच डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन बोलने का कारण ये है कि जिसके पास जितना पैसा होगा उसका बोलबाला ज़्यादा वहाँ पर चलता है। तो उस हिसाब से देखें तो USA ही वहाँ पर डोमिनेट करता है, तो USA पास ज़्यादा वोटिंग पावर रहता है, तो वो अपने हिसाब से वो मुताबिक कर सकता है कि कौन सा कंट्री को पैसा देना है कौन सा कंट्री को नहीं, उसका वोट बहुत ही प्रायोरिटी करता है। तो साथ ही साथ हम उसका सेकेंड देखें तो जापान है, उसके बाद चाइना है, तो ऐसे जिसका जितना वैल्यू वहाँ पर है उसका उतना ही वोटिंग पावर है। तो इंडिया का उस हिसाब से आकलन करें तो हम 8 पोजीशन में आते हैं। IMF को और एक चीज़ भी बोला जाता है कि वो न्यू कॉलोनियलिज्म को बढ़ावा देता है। तो न्यू कॉलोनियलिज्म क्या है कि एक डेवलप कंट्री, अंडर डेवलपिंग कंट्री और डेवलपिंग कंट्री को एक्सप्लोइट करना, उसका जितना भी रिसोर्स को अपने तरफ खींच लेना, तो उसको हम बोलते हैं लीक न्यू कॉलोनियलिज्म। हम जानते हैं कि जितना भी ब्रिटिश प्रोडक्ट होता है, गुड्स होता है, वो बाहर से आता है, जिसने भी हम यूज़ करते हैं वो होता है मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका। तो इससे क्या होता है कि जितना भी हमारा मनी होता है उनके कंट्री के तरफ फ्लो करता रहता है, जिसके चलते उसको हम बोलते हैं न्यू कॉलोनियलिज्म। तो उससे क्या क्या होता है हम देखते हैं, रिच पावर डोमिनेशन बढ़ता है। यस, ये ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि जितना भी डेवलप कंट्री डेवलप होते रहेंगे, रिचर बिकम रिचर एंड रिचर। सेकंड पॉइंट में बोला गया है कि ग्लोबल फाइनेंशियल एंड ट्रेड इंबैलेंस, यस, उसके साथ साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, अरेस्टिंग इंक्रीजिंग गैप, साथ ही साथ बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री, इकोनॉमिक इनक्वालिटी, एमर्जिंग इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, रिक्यूरिंग मॉनिटरी क्राइसिस, प्रॉब्लम ऑफ लॉयली डेवलप कंट्री। तो ये सब ज़्यादातर प्रॉब्लम फेस किया जाता है जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं और अंडर डेवलप कंट्री हैं, तो उनका जितना भी मनी होता है एक्सप्लोइट होता है। तो इसके चलते हुए यहाँ पर IMF को क्रिटिसाइज किया गया है। अब हम IMF के तीसरे व्यू पॉइंट को देखें तो वहाँ पर रिकॉन्स्ट्रक्शन के बारे में बोला गया है कि तो IMF में कुछ परिवर्तन आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ वोटिंग राइट्स पावर इन द IMF। ये ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि उसमें भी कुछ बदलाव लेना चाहिए कि जिसके पास पैसा होगा खाली वो ही वोट देगा, ये मतलब नहीं, सबको इक्वल हिस्सा मिलना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि मोर रोल ऑफ एमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया और चाइना का भी वहाँ पर बहुत बड़ा हिस्सेदार रहता है, तो इस हिसाब से इंडिया और चाइना को बहुत ही प्रायोरिटी देना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया कि रिड्यूस द रोल ऑफ द डेवलप यूरोपियन कंट्री। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जितने भी यूरोपियन कंट्री का रोल को थोड़ा डिक्रीज किया जाए, साथ ही साथ एशियन अफ्रीकन इस कंट्री को भी वहाँ पर भी शामिल किया जाए और उनका रोल को भी बहुत ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया कि एंड ऑफ US डोमिनेशन ऑफ द IMF। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो IMF में USA का डोमिनेशन पर करा चल रहा है उस डोमिनेशन को ख़त्म करना है, हमें एक इक्वालिटी इक्वालिवेरियम बनाना है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी
मिनिस्ट्री होंगे वो और इच्छुक करेंगे कि IMF में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर फुल्ली देखें तो जो IMF होता है वो USA के डिसीजन पे निर्भर रहता है, USA जो बोलता है उसके हिसाब से होता है, ये नहीं होना चाहिए, हम इसका एक क्रिटिसिज्म की तरह ले सकते हैं। वो अच्छा काम कर रहा है मगर उसको थोड़ा और रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहिए ताकि और भी बाकी जितने कंट्री हैं वो उससे फ़ायदा पा सके। और एक हम चीज़ बोल सकते हैं कि IMF के वजह से ग्लोबलाइजेशन भी बहुत बड़ा है, जिसके चलते फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, गुड, सर्विस, नॉलेज, मैन पावर अक्रॉस द कंट्री देखने को मिला है, जिसके चलते हुए हम बोल सकते हैं कि एक IMF का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हमारे ग्लोबलाइजेशन पर भी पड़ा था, जिसके चलते हुए बहुत सारे लोग बहुत सारे जगह में नियुक्त हुए थे। अब हम IMF को थोड़ा लुकअप कर लेते हैं। तो उसका फॉर्मेशन हुआ था 27 दिसंबर 1945, उसका हेडक्वार्टर है Washington DC, मेंबरशिप कंट्री है 189 कंट्री है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिया, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, और टोटल नंबर ऑफ स्टाफ कितना है 2400 वहाँ पर स्टाफ नियुक्त किए गए हैं।